और हमारे बीच में जैसे मेरी मिसेज भी है, जिले सिंह मिसेज भी है, वो लड़कियों के बीच में रहती है। क्यों? इसीलिए कि भाई बेटियों को लड़कियों के बीच में एक महिला का भी, महिला कोच का भी होना बहुत जरूरी है। कितनी फीस आपकी रखी गई है? फीस नहीं ले रहे रामनिवास सर, कुछ भी नहीं ले रहे कोच साहब, फीस नहीं लेते। अच्छा, जल्ले सर, बल्लू सर, रामनिवास सर और बलकार सर है ना, और जगदीश सर आराम से बिना फीस के खिला रहे हैं। भाई कोई फीस हमारी नहीं है, हमें जो समय मिलता है हमारे कार्य के बाद, हम वो समय पूरा इन बच्चों पे दे रहे हैं। तो तालियों की गड़गड़ाहट में आप देख सकते हैं किस प्रकार बच्चे रामनिवास जी को लेकर खुश हैं। तो बच्चे रामनिवास जी अच्छी मेहनत करवा रहे हैं। यस, हमारी बेटी भी है, दो मेरी खुद की बेटियां हैं, एक प्लस टू कर गई है कि मैट्रिक में है, और जिले सिंह की जो लड़की है छोटी है जी, जिन्होंने के नाम है शुरुआत से जो प्रेरणा स्रोत है पूरे गाँव की, गाँव वालों को बता चुके हैं भाई हम चार हाँ, पांचवा बीच में आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, हम चार हाँ जो विचार मिले तो चारों के साथ हम बढ़िया सर। हमारे लिए सर बहुत कुछ किया है सर, जो हमें चाहिए सर सब कुछ ला के देते हैं। तो सारी किट है और खेलों का आयोजन है सर नहीं किया है, सर नहीं किया है। कि अगर किसी बच्चियों को सुधार करना है, मतलब बुराइयों से बचाना है, तो खेल के मैदान में उतरना ही पड़ेगा। जो सिस्टम था वो ठीक ढंग से नहीं था, हम उस टाइम आगे नहीं बढ़ पाए, और आगे जो जो हमें एक सक्सेस हुए तो हमने सोचा क्यों ना हमारी बेटियों को भी आगे हम ले आ जाए। ये अपनी खुद की गुड़िया से स्टार्टिंग की थी, एक लड़की से स्टार्ट होके आज 100 के प्लस लड़कियां हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम हैंडबॉल की भी लगभग 8-7 लड़की डिस्ट्रिक्ट के लिए, और वॉलीबॉल की भी कम से कम 11-12 लड़कियां जो अंडर। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी पवन राठी, हमारे साथ में है कैमरामैन गुरुचरण चोपड़ा, और E9 मीडिया में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं गांव फरमाना में, जहां पर हैंडबॉल प्रतियोगिता, दो दिवसीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है मास्टर रामनिवास चोपड़ा जी के द्वारा। आइए हम आपको उनकी टीम से रूबरू करवाते हैं। पहले तो रामनिवास जी हमारे दर्शकों को एक बारी राम राम कर दीजिए। सभी को E9 मीडिया के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम हाथ जोड़कर। तो रामनिवास जी, आपको कैसे लगन हुई कि बच्चों को ऐसे खेल करवाने हैं? देखिए, मैं भी स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर अपनी प्रैक्टिस करता था, वॉलीबॉल की भी और हैंडबॉल की भी, हर तरह की प्रैक्टिस करता रहता था, लेकिन उस समय क्या था भाई, पारिवारिक जो सिस्टम था वो ठीक ढंग से नहीं था, हम उस टाइम आगे नहीं बढ़ पाए, और आगे जो जो हमें एक सक्सेस हुए तो हमने सोचा क्यों ना हमारी बेटियों को भी आगे हम ले आ जाए। हम ये सोच रहे हैं जी। हम ये चाहते हैं कि भाई इसमें क्या है, हमारी बेटी भी है, दो मेरी खुद की बेटियां हैं, एक प्लस टू कर गई है कि मैट्रिक में है, और जिले सिंह की जो लड़की है छोटी है जी, जिन्होंने के नाम है शुरुआत से जो प्रेरणा स्रोत है पूरे गांव की जी, उसको हम खेलते रहते थे, और वो वॉलीबॉल के अंदर भी सबसे बेस्ट लड़की है जी, वो उससे प्रेरणा, उससे बच्चे बढ़ते गए, 20-25 हो गए, इस तरह बढ़ते गए, और आज हमारे पास 100 से अधिक बेटियां हैं जी, जो दिन रात प्रैक्टिस कर रही है, डिसिप्लिन में, अनुशासन में रहकर प्रैक्टिस कर रही है, माँ बाप भी खूब सहयोग कर रहे हैं, गाँव वाले खूब सहयोग कर रहे हैं। हम जो चार हाँ, हम बार बार ये कह रहे हैं, हम गाँव वालों को बता चुके हैं भाई हम चार हाँ, पांचवा बीच में आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, हम चार हाँ जो विचार मिले तो चारों के साथ हम बढ़िया संबंध है, हम उनकी बच्चों की तैयारी कर रहे हैं, और बच्चे भी हम एक पिता की तरह मानते हैं, हम भी उनके बीच में रहते हैं, और हमारे बीच में जैसे मेरी मिसेज भी है, जिले सिंह मिसेज भी है, वो लड़कियों के बीच में रहती है। क्यों? इसीलिए कि भाई बेटियों को लड़कियों के बीच में एक महिला का भी, महिला कोच का भी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस प्रकार पूरा परिवार इन गांव के बच्चों को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। सच में एक काबिल तारीफ इस पहल के लिए रामनिवास जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी सोच लेकर मास्टर जी आप चले हुए हैं। मास्टर जी, आप, मैंने सुना है आप लड़कियों के लिए खेल का विशेष प्रबंध रखते हैं, तो किस प्रकार की परियोजनाएं आप चलाए हुए हैं? देखिए, हमारी जो बेटियां हैं, मैं 4 बजे के बाद ग्राउंड में आता हूं, और उसके बाद हम बेटियों को खिलाते हैं। हमारे साथी हैं जिले सिंह जी, कोच जी अपने अशोक जी और अपने जगदीश जी, हम चार कोच हैं, और हमारे साथ हमारी मिसेज भी हैं, और वो पूरा सहयोग कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि भाई हमारी बेटियां फरमाना का नाम रोशन करे, प्रदेश का नाम रोशन करे, और देश का नाम रोशन करे, हम ये चाहते हैं। और ये एक और बात बताऊं आपको, हमें बेटियों को खुद अपने पर्सनल कोच थे, हम बेटियों को किट प्रोवाइड करवाते हैं फ्री में, ताकि क्योंकि खेल के अंदर क्या है, गरीब परिवार की बेटी होती है, हर तरह की बेटियाँ होती,
लेकिन हमने सभी बेटियां बराबर हैं, चाहे वो किसी भी जाति की हो, हमें सभी बराबर हैं, हम किसी भी जाति को नहीं मानते हैं। हमने उनके लिए किट भी प्रदान की है और फ्री देते हैं बच्चों को, समय समय पर हम उसको रिफ्रेशमेंट भी, हर तरह के रिफ्रेशमेंट भी देते हैं। तो कितनी फीस आपने खिलाड़ी की रखी हुई है? हमने खिलाड़ी कोई फीस नहीं रखी है, फ्री सेवा करते हैं हम, बिल्कुल दिन रात फ्री। पहले हमने जिला स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता कराई थी, अब राज्य स्तरीय जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता करा रहे हैं। और समय समय पर हमें जैसे आँखों का कैंप है और जैसे जो शरीर के संबंधी जो बीमारियां हैं उनका कैंप हमने समय समय पर लगवा है। और जो मेरे साथी कोच हैं, जिले सिंह जी हैं, अशोक जी हैं और हमारे जगदीश जी, हम चारों मिलकर इसको मतलब एक जो लाइन बनाई है बच्चों को आगे बढ़ाने की, वो हम चारों इकट्ठे, क्योंकि हमारे विचार बहुत बढ़िया मिलते हैं। तो हम ये भी कहते हैं गांव में कि भाई हम चार हाँ, चारों से पांचवा हम हमारे बीच में नहीं आने देंगे। इसलिए जी बहुत ही अच्छी शानदार सोच लेकर चले हुए हैं। तो आज के जो कार्यक्रम है उसकी थोड़ी उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। आज का कार्यक्रम पहले दिन यानी चार पाँच का प्रोग्राम है हमारा, चार का पहले दिन बहुत बढ़िया टीम आई है, बढ़िया प्रदर्शन दिखाया बच्चों ने। हमारे गांव की लड़कियां थी उनको भी प्रदर्शन दिखाया, सभी लड़कियां ने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया, सभी बच्चे खुश हैं। और हमने बच्चों के लिए रिफ्रेशमेंट, कोच साहबान के लिए भी रिफ्रेशमेंट और रात को ठहरने की सुविधा भी, उनके लिए खाना वगैरह भी हमने प्रोवाइड करवाया है। तो इनाम आपने कितना रखा हुआ है और किस प्रकार से इनाम आप संयोजित कर रहे हैं? देखिए हमने इनाम 5100, 3100, 1100 रखा था, लेकिन हमें ये सोच रहे हैं कि भाई बच्चों का हौसला बढ़ाने के थोड़ा और बढ़ाया जाए। जी बहुत ही शानदार, आप एक सराहनीय कार्य कर रहे हैं और A9 मीडिया की तरफ से हम आपके आगे आने वाले जीवन में मंगल कामनाओं की शुभकामनाएं करते देते हैं। इसी के साथ में A9 मीडिया के साथ में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में मौजूद है जिले सिंह जी, जो निरंतर बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करते रहते हैं। तो जिले सिंह जी, आप किस प्रकार से संस्था का सहयोग करते हैं? नमस्कार सर, हमने सर स्टार्टिंग में एक ही लड़की से शुरुआत हुई थी कि हमारा एक ये था कि अगर किसी बच्चों को सुधार करना है, मतलब बुराइयों से बचाना है, तो खेल के मैदान में उतरना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। आज को जो बच्चों के युवा जो नशे में जा रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, उसको बचाने का इससे अच्छा हमें तरीका लगा नहीं। और हमने स्टार्टिंग की थी अपनी खुद की गुड़िया से, स्टार्टिंग की थी एक लड़की से स्टार्ट होके आज 100+ लड़कियाँ हैं। लेकिन ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे गांव में इतनी अच्छी गुड़िया हो गई। अभी जब गेम चल रहे 1 से 3 तारीख अभी गेम चल रहे सितंबर में, तो तीनों जो हमारी 14, 17, 19 की जो टीमें हैं वॉलीबॉल की, वो ब्लॉक जीत चुकी हैं और अब डिस्ट्रिक्ट जाना है। और डिस्ट्रिक्ट में हमें कन्फर्म है कि वो डिस्ट्रिक्ट तीनों टीमें जीतेंगी। और जो छोटी टीम है हमारी अंडर 14 की, तो हम गारंटी देते हैं कि वो नेशनल खेलेगी जी, क्योंकि उन पे हमें भरोसा, हमने मेहनत कराई है, हम पर्सनली कोच हैं, ये नहीं कि मैं भाई कोई फीस हमारी नहीं है। हमें जो समय मिलता है हमारे कार्य के बाद, हम वो समय पूरा इन बच्चों पे दे रहे हैं ताकि ये बच्चे सुधर जाएं, क्योंकि जो नशे की लत है ना, बहुत बुरी लत है। इससे सुधार हमें देखने को मिल रहा है कि गुड़िया बहुत खुश हैं इस गेम को देखते हुए कि हमें सर मिले हैं, अभी हमारा ये गेम करा रहे हैं। तो आज बच्चों को देख के बड़ा मन लगता है, हमारा ये मन करता है कि बस बच्चों में ही रहें, तो बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, निसंदेह। और आपके टीम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो आगे ऐसे ही मैचों में जीतते रहें और आपके फरमाना और पूरे प्रदेश का नाम रोशन करती रहें। आप कहाँ से हो? फरमाना से सर। तो हैंडबॉल प्रतियोगिता में आप कब से पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 1 साल हो गया सर। 1 साल हो गया। तो आपके कोच कौन है? रामनिवास चोपड़ा सर। कैसा खिला रहे हैं रामनिवास जी? बहुत अच्छा खिला रहे हैं। और क्या क्या कर रहे हैं आप लोगों के लिए? हमारे लिए सर बहुत कुछ किया है सर, जो हमें चाहिए सर सब कुछ ला के देते हैं। तो सारी किट है और खेलों का आयोजन है? सर नहीं किया है। सर नहीं किया है, तो बहुत ही बढ़िया। और ऐसे ही बढ़ते रहो बेटा, शाबाश। कितने सालों से खेल रहे हो हैंडबॉल? 1 साल से। 1 साल से कैसे प्रेरणा मिली कि मेरे को हैंडबॉल खेलना है? प्रेरणा मिली, खेलते देखा, सबको खेलने लगे। रामनिवास सर जो हमारे कोच है, जिले सर और अशोक सर और जगदीश सर अच्छे से खिलाते हैं और खेलने लगे हम। तो मेन चीज आपकी प्रेरणा रामनिवास सर है? हाँ। तो उन्हीं के देख रेख में आप खेल रहे हैं। और कितनी फीस आपकी रखी गई है? फीस नहीं ले रहे रामनिवास सर, कुछ भी नहीं ले रहे कोच साहब, फीस नहीं लेते। अच्छा, जल्ले सर, बल्लू सर, रामनिवास सर और बलकार सर है ना, और जगदीश सर आराम से बिना फीस के खिला रहे हैं। और आपकी है ना प्रतियोगिताएं जो करवाते हैं वो किस कौन करवा रहे हैं? रामनिवास सर और कोच
उनमें आपसे कोई फीस ली गई हो या फिर कुछ और? कोई फीस नहीं ली जा रही हमसे। तो आपको मतलब खेल कर अच्छा लग रहा है? कभी ब्लॉक या स्टेट खेले हो? ब्लॉक खेले थे। तो क्या पोजीशन रही है? पोजीशन सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन रही है। बहुत ही शुभकामनाएं बेटा, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। भी खेल लिया, जिला स्तर पर भी खेल लिया है, तो जरा उन खेलों के बारे में बताइए। देखिए, ये जो लड़कियां हैं इनका सरकारी स्कूल में भी एडमिशन है जी। अब जो स्कूल लेवल की जो लड़कियां गई हैं वो ब्लॉक में, वो हैंडबॉल की भी, और हैंडबॉल की भी लगभग 8-7 लड़की डिस्ट्रिक्ट के लिए, और वॉलीबॉल की भी कम से कम 11-12 लड़कियां जो अंडर 17, अंडर 14, अंडर 9 की वो गई हैं। और एक हमारी बेटी है शॉट पुट के लिए, वो भी उन्होंने ब्लॉक में गया। और एक हमारी बेटी है जो 200 मीटर में भी फर्स्ट आई है, और एक 400 मीटर में भी फर्स्ट आई है। इसके अलावा जैसे मैं हूँ, खो खो में भी कुछ बच्चे थे वो भी फर्स्ट आए। तो हम दिन रात अशोक जी है और अपने जिले सिंह जी, हम सारे उनको दौड़ प्रतियोगिता भी कराते रहते साथ साथ में, ताकि बच्चा का एक स्टेमिना बना रहे। और हम ये चाहते हैं कि वो स्टेमिना के साथ साथ एक बढ़िया खेल में रुचि करे, और आगे हमारा नाम रोशन, गांव का नाम रोशन, देश का, प्रदेश का, सबका नाम रोशन करे। वाह जी वाह, बहुत बहुत बढ़िया सर। तो तालियों की गड़गड़ाहट में आप देख सकते हैं किस प्रकार बच्चे रामनिवास जी को लेकर खुश हैं। तो बच्चे रामनिवास जी अच्छी मेहनत करवा रहे हैं। Yes! इसी के साथ A9 मीडिया से जुड़े रहने में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।